हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन के 31 ईयर प्रॉब्लम। मैं आपको पहले इसका इम्पोर्टेंस वगैरह बता चुका हूं, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है 31 ईयर क्वेश्चन करना और उसके आसपास के रिलेटेड क्वेश्चन करने, उसके आसपास की थियरी समझना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलो अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो 1D का, वो बहुत ही इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। 2020 में आया था, इसको देखो। इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया यार, ठीक है। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने एक ड्रॉप नहीं किया ना, थ्रो कर दिए प्यारे बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिए। अब जब ये जस्ट हिट करने वाला ग्राउंड को, तो 80 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है फिजिक्स में, जब मोशन स्टार्ट होता है, जब टाइम जीरो होता है, उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मैं मोशन यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा टाइम जीरो वाली लाइन है, यहाँ से टाइम जीरो और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सब कुछ काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर मुझे ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये पूछ रहा कितनी जो बिल्डिंग की हाइट है इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी काइनामेटिक्स 1D के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है, काइनामेटिक्स 1D के जो भी प्रॉब्लम बनेंगे, उस प्रॉब्लम में सिर्फ एंड सिर्फ 4 कैटेगरी के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना। पहला जो है, जहाँ पर एक्सलेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम होंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम होंगे तो यू और वी हमेशा बराबर होते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले इन आइडेंटिफाई करेंगे कि इन 1D के क्वेश्चन आया कि इन चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। एक है एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होगा, जहाँ वेलासिटी वेरिएबल होगी, क्लियर है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरे कैटेगरी का प्रॉब्लम हो गया, तीसरे कैटेगरी में हमने आ जाए, यहाँ एक्सलेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, और वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी होगी, ठीक है, एक्सलेशन वेरिएबल होगा। इस कैटेगरी में हमें कैलकुलस लगाना होता है, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, कैलकुलस से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चौथी कैटेगरी है, वो है ग्राफ का, ग्राफिकल प्रॉब्लम आएंगे। अब ग्राफिकल प्रॉब्लम तभी आप कर पाओगे जब आप इधर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, स्पीड वेलोसिटी उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो, कैसे वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करते हैं, इक्वेशन का हेल्प लो, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन चारों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में प्रॉब्लम होगा ही होगा यार, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कैलकुलस वाला क्या करोगे। जब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगे तो आपको पोजीशन वेलोसिटी एक्सलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन कब डिफरेंशिएशन यूज करोगे, इधर नीचे आओगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी एक्सलेशन निकालोगे तो डिफरेंशिएशन यूज करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करोगे, और अगर उल्टा जाओगे तो इंटीग्रेशन यूज करोगे, ये वाला सिंबल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपको किस कैटेगरी का है और कैसे करना है। अभी इन चारों में से ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम, जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। तो अगर एक कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, मोशन अंडर द ग्रेविटी कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम है। हम पेन को ऊपर फेंक दें, नीचे फेंक दें, किधर भी गिरा दें, जब तक ये हवा में रहेगा तब तक एक्सलेशन नीचे ही लगेगा, ठीक है, एयर को कंसीडर नहीं किया जाता जब तक बताया नहीं जाएगा। चलो तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से इक्वेशन है यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बोलो। यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इन्हीं दोनों इक्वेशन से ये बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट होगी, कॉमन सेंस की बात है। क्या दोनों लगेंगे, अरे भैया बने हैं तो लगेंगे क्यों नहीं, लगाने आना चाहिए ना यार,
ठीक है, जब बना है तो लगेगा क्यों नहीं, दोनों लगेंगे ठीक है, लेकिन हमें कौन सा लगाने में ज़्यादा फायदा है, किससे टाइम ज़्यादा बचेगा, ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस ही और तुम्हारी बुद्धि ही बताएगी उस वक्त। अगर मैं पहला वाला लगाता हूँ तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए, जो कि दिया हुआ टाइम भी चाहिए, टाइम दिया नहीं है कहीं, निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकलेगा, बी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ ये, उसके बाद ला के रखोगे, दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर तुम ये वाला लगा देते हो तो पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा भैया, पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं ये लगा देता हूँ, पहले स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूज होते हैं साइन को लेके उनको दिक्कत होता है। देखो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर की साइन ऑटोमेटिकली आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। अगर आप राइट साइड वेक्टर पॉजिटिव ले लिए हो तो लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, और यही कॉन्सेप्ट पूरी काइनेमेटिक्स पूरे फिजिक्स में चलता है। आप वेक्टर के साइन ये क्वेश्चन में बदल नहीं सकते यार, बदलोगे गलत हो जाएगा। मान लो मैंने इस क्वेश्चन में जो भी वेक्टर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर मैं उनको पॉजिटिव ले लिया तो जस्ट अपोजिट मैं नेगेटिव ही कंसीडर करूंगा। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो मुझे नीचे निगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये साइन है वेक्टर का। चलो अब जिसको निकालना होता है उसकी साइन कभी नहीं रखते हैं, कभी नहीं, वो तो बाद में कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा ना कि वो किधर है, प्लस है कि माइनस है। अब इस प्रॉब्लम में मैं थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा दूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर नीचे है और ये भी नीचे है, बिल्डिंग की हाइट भी नीचे है, मुझे नहीं पता कि बिल्डिंग हाइट नीचे, वो तो निकालना ना हमें, तो माइनस 80 का स्क्वायर और माइनस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और माइनस जी 10 और बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 400 ऑन डिवाइडेड बाई माइनस 20 दैट इज हाइट एच, तो जीरो ने जीरो को ख़त्म कर दिया, 400 300, तो ये आ जाएगा माइनस 300 मीटर, ठीक है। तो ये जो माइनस 300 का बता रहा है कि जो बिल्डिंग है जहाँ से आपने मोशन काउंट करना स्टार्ट किए हो, यहाँ से माइनस साइन का मतलब है यहाँ से बिल्डिंग नीचे ही होगी, ऊपर नहीं जा सकते, बिल्डिंग ऊपर नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ से जो बिल्डिंग है, यहाँ से हमने बिल्डिंग 300 मीटर नीचे चले आओगे तो बिल्डिंग होगी ये, माइनस साइन बता रहा है केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग 300 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ए पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी वी, चलो एक पार्टिकल भी वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी है। अब ये कहता है जो इस पे, इस पार्टिकल पे थ्री फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन, पी क्यू आर नाम के तीन फोर्स लग रहे हैं, और तीनों को एक वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, एक साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया। आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी वेक्टर का वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, कोई ऐसा वेक्टर हो, ठीक है, जो जिनको हम एक साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आता है यार। जितने भी वेक्टर ले लो, 10 वेक्टर ले लो, 20 वेक्टर ले लो, तो इन सभी का जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही ऑर्डर में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले करना क्या है, देखो हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम है, ग्राफ को एनालिसिस करके करना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें फिजिक्स का। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ही जीरो है, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता। अगर एक्सेलरेशन जीरो है यार, ठीक है, तो वेलोसिटी फिजिक्स में हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती यार, नहीं मैग्नीट्यूड में चेंज होगी और नहीं डायरेक्शन में चेंज होगी। एक वेक्टर तब बदल जाता है जब उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल जाए या डायरेक्शन ही बदल जाए या दोनों बदल जाए, यहाँ दोनों नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। मतलब अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो अब मैं अच्छा सा क्वेश्चन अगले साल आ जाता है कि यही डायग्राम बदल के आ जाए, ठीक है, अब बताओ कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा, पैराबोला में चल रहा, सर्कल में चल रहा है, इलिप्स में चल रहा है, अगर ऐसे दिया, समझना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना वेलोसिटी, क्योंकि यार जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगी स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, वन डिमोशन में ही चलेगा। लेकिन अगर स्पीड कॉन्स्टेंट हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है
और कर्व में भी चल सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया? ठीक है, स्पीड वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है चलो, ये चलो ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, बहुत स्विमर स्विमिंग का प्रॉब्लम है। आपको पता है थ्योरेटिकल आपको पढ़ के आओगे। यहाँ एक ऑब्जर्वर है, वो नदी में, वो पॉइंट पर है, वो नदी में कूदेगा। ठीक है, वो ये रिवर है उसमें स्विमिंग करेगा यार, और रिवर की वेलोसिटी वी आर इधर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। एक वर्ड बार बार यूज होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इट्स ये जो एक्सप्रेशन है आपको बार बार इधर काम आएगा, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। स्टील वाटर बच्चे समझ लेते हैं, शांत पानी में पानी बह नहीं रहा है, स्विमर उसमें मतलब स्विमिंग कर रहा, ऐसा नहीं है यार। देखो, स्टील वाटर का मतलब है कि उस वो रिवर है उसके पास अपनी खुद की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब जब स्टील वाटर का मैं मीनिंग जब लगाऊंगा, तो उस वक्त जो स्विमिंग कर रहा है स्विमर रिवर में, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी आएगी उसको मैं बोलता हूं स्टील वाटर वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, स्टील वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्विमिंग 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, आदमी उसमें स्विमिंग कर रहा है, उसमें मजे ले रहा है, तो जब मजे ले रहा है उसी वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टील वाटर है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब। ठीक है चलो, और रिवर की वेलोसिटी यहाँ पहले ही दिया हुआ है, रिवर की वेलोसिटी दिया हुआ कितना है? रिवर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। ये आपको साइन कन्वेंशन लेना है। ठीक है, अब उसको शॉर्टेस्ट पाथ में स्विमिंग करनी होती है, पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट हो। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो स्विमर बोट प्रॉब्लम, और ठीक है, तो आपको ये बात पता होगा कि इस आदमी की एक दो स्पेशल इच्छा होती है। इच्छा तो इसकी बहुत है यार, ये आदमी यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, अब वो से कूदेगा रिवर में, कूदेगा यार भाई, इसकी मर्जी यार, ये किधर भी जंप लगा दे इधर, इसकी मर्जी। ठीक है, ये किधर भी कूद सकता है यार, ग्राउंड पे इधर तो कूदेगा नहीं। ठीक है, धरती में इधर तो कूदेगा नहीं। तो दो स्पेशल कंडीशन होते हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब उसको सबसे कम पाथ चलना पड़ेगा, और वो शॉर्टेस्ट टाइम, उसके पास टाइम कम है, तो ये दो स्पेशल कंडीशन होते हैं। ठीक है, अब ये दो कंडीशन थ्योरेटिकली प्रूफ है और डिराइव भी है, सब कुछ हम लोग थ्योरी में करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी ट्रेवल करता है जब वर्टिकल से इधर जंप करता है, दूसरे कलर से बना दो, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में, वर्टिकल से अल्फा डिग्री पर जंप करता है, तो उस वक्त जो पाथ चलेगा नदी में, जो पाथ चलेगा वो शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट टाइम में तभी दूसरे किनारे पर पहुंचेगा जब वर्टिकल से बीटा डिग्री पर इधर की डायरेक्शन में जंप मारेगा। ये दो स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, अभी हमें इसमें से कौन सा लगेगा? ठीक है, अभी इसमें लगेगा पहला वाला, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये वाली जो एंगल है दैट इज थीटा, हमें निकालना किधर वो जंप करे। तो ये तो बात ठीक है कि उसको वेस्ट में जंप करना पड़ेगा, अगर ये साइन कन्वेंशन लेते हैं तो यहाँ से वेस्ट में जंप करना पड़ेगा। अब वेस्ट तो सारे हैं, ठीक है, ये इसमें तो वेस्ट दिया नहीं क्योंकि नल वेक्टर आ गया। चलो, तो अब मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। इसको मैं दो तरीके से कर सकते हो, पहला तरीका ये है, ठीक है, पहला तरीका फर्स्ट मेथड ये है कि देखो, फर्स्ट मेथड ये है, समझना इसको, फर्स्ट मेथड ये है अपना कि अगर मैं यहाँ से 20 पे जंप मार दिया 20 में, ठीक है, ये थीटा है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, पहला कंपोनेंट परपेंडिकुलर और दूसरा हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये जो था यहाँ से रिवर की वेलोसिटी वी आर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से ये अगर ये इस रिवर की वेलोसिटी को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो वही है, तो ये 10 हो गया, ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा कितना हो गया? इस छोटे से प्यारे से इस छोटे से ट्रायंगल में चले जाओ और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 10/20, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री, मतलब उसको वर्टिकल से 30 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि जब कभी भी स्विमिंग होती है, ठीक है, सेकेंड मेथड ये है जो कि आपको काफ़ी काम आएगा,
ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में जब कभी भी स्विमिंग होती है तो अगर ये अल्फा डिग्री पर जंप लगा लिया 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में दो वेलोसिटी है, एक है रिवर की वेलोसिटी जो कि इधर की डायरेक्शन में है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है जो पहले से दिया हुआ है। एक्स एक्सिस, इधर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है यार, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस 20 के मैं दो कॉम्पोनेंट करूँगा, एक कॉम्पोनेंट 20 कॉस अल्फा और एक कॉम्पोनेंट 20 साइन अल्फा, ठीक है, समझना इसको। जो भी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है उसके दो कंपोनेंट हो गए इस पूरे क्वेश्चन में, दो भी वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स एक्सिस में हो गया, एक वाई एक्सिस में हो गया, एक रिवर के अलोंग हो गया पैरेलल, एक रिवर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ का दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ का जो कंडीशन है वो ये कहता है कि वेलोसिटी नेट वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी नेट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट जो वेलोसिटी है वो मान लो इधर तीन चार वेलोसिटी आता है उधर चला, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और नेट वेलोसिटी जीरो तभी होगा जब 20 साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब आदमी का नेट वेलोसिटी जीरो तभी होगा एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे लग दो एक्स एक्सिस में जीरो, ठीक है, मतलब उसकी जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए यार, ठीक है, एक्स एक्सिस में उसकी कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ वाले क्वेश्चन करने का। अब जब शॉर्टेस्ट टाइम वाला आएगा तो टाइम वाला बताएंगे, ठीक है। चलो रे भैया, ये कहता है देखो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, एक दो पार्टिकल हैं सर्कल में घूम रहे हैं, देयर आर टू पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक का आर ए है और एक का आर बी है, इसका टाइम पीरियड टी ए है, इसका टाइम पीरियड टी बी है। कंडीशन ये दिया है कि इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है, तो सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें ओमेगा के बारे में प्रिडिक्शन करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, ओमेगा आप पढ़े हो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πt। तो ये अब अगर मैं रेशियो दो के लिए लगाता हूँ, दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड दोनों का बराबर है, अगर टाइम पीरियड दोनों का बराबर है तो हमें ओमेगा के बारे में क्या लिखना है, ओमेगा ऑफ ए ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी और टाइम पीरियड ऑफ ए, दैट इज 1:1, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। टाइम ओमेगा का जो है वो ओमेगा भी इक्वल होगा अगर टाइम पीरियड इक्वल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो है वो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2πt है, अगर कितने भी पार्टिकल हैं जिनका टाइम इक्वल है तो ओमेगा तो इक्वल होगा 2π यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। चलो कहता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें डाउट पूछते हैं, ठीक है, कहता प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, समझना इसमें बच्चों को डाउट बहुत आता है, प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचती है एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, जो एस्केलेटर था जो वो वर्किंग नहीं था, सी वॉक अप स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम टी। अब समझना, प्रीति जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसको पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है वो जीरो है, ठीक है, और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो उसने वॉकिंग करके चली गई। तो वॉकिंग करके जब जाती है तो उसको टाइम टी वन लग गया, अगर ये एस्केलेटर का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस टाइम जो स्पीड आ गया, इस टाइम जो जो
स्पीड आ गया समझना, वो स्पीड ऑफ प्रीति है विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रीति विथ डी वाई टी वन, समझना। ये भाई अगर मैं किसी फ्रेम में हूँ और मैं उसमें मैं बस में बैठा हूँ मान लो, ठीक है, तो मैं बस में बैठा हूँ, तो मैं अगर मैं बस में बैठा हूँ या मैं बस में चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो बस के रिस्पेक्ट में है, मेरा फ्रेम बस है ना यार, ठीक है। अगर मैं बस में बैठा हूँ तो मैं चल नहीं रहा हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी है बस के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बस में चल रहा हूँ और बस, ठीक है, और मेरे लिए, खुद मेरे लिए बस के अंदर नहीं, समझ, देखो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बच्चों को डाउट बहुत ज़्यादा आता है। देखो एक बस है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक बस है। अब इस बस में दो ऑब्जर्वर हैं यार, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो वो बोलेगा चाहे आप बस चल रही है या चाहे बस रेस्ट में है, आपकी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में है। तो जब स्केबलेटर चल रहा था या नहीं चल रहा था, प्रीति की जो वेलोसिटी वो स्केबलेटर के रिस्पेक्ट में डी वाई डी है, ठीक है, डी अपन टी वन है। दूसरे दिन जब वो गई तो ऑन द सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केबलेटर, स्केबलेटर खुद चल रहा था, और वो दूसरे दिन जब वो गई तो वो खुद उसी पर रेस्ट रही, उसकी वेलोसिटी जो है स्केबलेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। तो वेलोसिटी अब स्केबलेटर का जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्केबलेटर पे अगर कोई पॉइंट है वो ए से बी तक चला गया तो डिस्टेंस डी हो गया यार, डिस्टेंस डी हो गया, तो उसको जो टाइम लगा वो टी टू लगा स्केबलेटर को, प्रीति तो रेस्ट में यार। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ स्केबलेटर आ जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन टी टू आ जाएगा, समझना। अब ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर तीसरा केस है, व्हेन द स्केबलेटर टेक अप इन द टाइम टी टू, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केबलेटर, अगर इस मूविंग स्केबलेटर पे वो चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, चलना स्टार्ट कर दे, तो हमें निकालना है उसको कितना टाइम लगेगा। अब जब टाइम पूछा जा रहा है तो उसकी जो हमें निकालना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो प्रीति की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना, ये मुझे जानना पड़ेगा यार, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू स्केबलेटर, वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ स्केबलेटर लिख सकता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ प्रीति और प्लस वेलोसिटी ऑफ स्केबलेटर, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है, अब देखो अगर मुझे प्रीति में टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है डी, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यार इतनी तो समझ में आ रहा होगा टाइम, क्योंकि टाइम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर देख रहा है प्रीति को तो वो उसके लिए टाइम टी है जो हमें निकालना है। तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, प्रीति के लिए जो टाइम वेलोसिटी है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम टी जो कि हमें निकालना है, और ये हम डी अपॉन टी वन हमें पहले से पता था, और ये डी अपॉन टी टू हम निकाल के लेके आए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो टी टी कैंसिल हो, वन अपॉन टी बचा, और वो वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, इसका मतलब ये हुआ टी की वैल्यू टी वन टी टू और टी वन प्लस टी टू, ठीक है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम, टी वन टी टू ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ जो थोड़ा सा भी पढ़े रिलेटिव वेलोसिटी वो कर लेंगे, बट हाउ एवर इसको बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत करके आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, दो कार है, एक का नाम पी है दूसरे का नाम क्यू है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन पोजिशन, देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई द पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, द टाइम डू कार हैव द सेम वेलोसिटी, समझना। अब ये किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है ये देखो, तो अब अगर तुम देखोगे तो अगर एक कार है, दो कार है, दोनों का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, कार पी का जो पोजीशन है, कार पी का जो पोजीशन है वो आपको ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, और ये जो Q है उसको आपको एफ टी माइनस टी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ। कहता है टाइम निकालो व्हेन
हैव द सेम वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है। अब आपको याद करो कि मैं बताया था किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है ये, हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना था, हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम पहले वेलोसिटी तो निकाल लें कि जब वेलोसिटी सेम होगा उस वक्त टाइम कितना होगा। तो भाई वेलोसिटी निकालो पहले ना, वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt, इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ p, वेलोसिटी ऑफ p कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये इसका 2b, ये आपको पता होगा। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो q इज इक्वल टू f और माइनस 2t, ये आ गया दोनों की वेलोसिटी। अब कहता है कि t टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे तो a प्लस 2bt दैट इज f माइनस 2t के इक्वल आ जाएगा। और अगर उसको इधर ले जाओगे तो f a माइनस f इज इक्वल टू माइनस टी कॉमन ले लो, माइनस टी कॉमन ले लो तो 2 और प्लस 2b, और इसका मतलब ये हुआ t की वैल्यू आ जाएगा f माइनस a दैट इज 2 प्लस 2b। तो f माइनस a 2 प्लस 2b मतलब जो है वो अपना d ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम को देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल है और उसकी जो वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। अब कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 1 to 2 सेकेंड। अब आपको याद करो कि मैं आपको बताया था कि जब कभी भी उल्टा जाते हैं वेलोसिटी से नीचे से ऊपर जाते हैं, वेलोसिटी से पोजीशन की साइड जाएंगे तो इंटीग्रेशन तो लगेगा ही लगेगा, ये तो क्लियर है। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, जो वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है तब जाके पोजीशन निकलेगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है इन्होंने, वो है कैपिटल ए टी और प्लस कैपिटल बी टी का स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब कहता है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द टाइम टी इज इक्वल टू लिमिट दिया हुआ है, लिमिट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dx/dt, वी इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू कैपिटल ए टी और प्लस बी टी का स्क्वायर है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि dx इज इक्वल टू कैपिटल ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर एंड दैट इज द डी टी, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब टाइम टी वन था तो डिस्टेंस जीरो था, जब टाइम टी, क्योंकि बिटवीन निकालना ना, बिटवीन यहाँ ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइम टी वन इज इक्वल टू वन, और यहाँ डिस्टेंस एक्स हो गया टाइम टी टू टू हो गया, ठीक है। तो ये टाइम एक्स हो गया और टी की वैल्यू टू हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने सबको आता होगा, जिसको नहीं आता है उसकी हालत बहुत बुरी है भाई, ठीक है। अगर इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये a और t स्क्वायर बाई टू प्लस बी और t की पावर 3/3, ये अब लिमिट डाल दो 1 से 2 तक। जब 1 से 2 तक लिमिट डालोगे तो यहाँ मिलेगा आपको a बाई टू और प्लस यहाँ मिलेगा बी और 8/3 तो 8/3 को माइनस वाइनस तो नहीं है यार, 80+ 50 2 की पावर 3 था, यहाँ एक मिनट, यहाँ क्या था, टी था ना, तो इंटीग्रेट करके स्क्वायर बनेगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वन पहले अपर लिमिट रखेंगे ना ये, ठीक है। तो ये वाली जो ये जो लिमिट है, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ से ये जो अपर लिमिट रखेंगे तो a और प्लस ये 4/2 प्लस, ठीक है, b और ये आ जाएगा 8/3 और माइनस ये
माइनस लोअर लिमिट ये वाला रखेंगे, ठीक है ना, आपको पता है ये वाला रखेंगे, तो ए वन का स्क्वायर वन बाई टू और प्लस, ठीक है, प्लस बी और बी बाई थ्री, इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ए बाई टू ये ए आ जाएगा, टू ए और माइनस ए बाई टू प्लस, ठीक है, प्लस एट बी अपन थ्री और माइनस बी बाई थ्री, ठीक है। तो ए आ जाएगा 2a और ये जो 2a सॉल्व करोगे इसको, तो 2a 4 और ये 3a बाई टू, 3a बाई टू और a आ जाएगा 3a बाई टू और प्लस 7b बाई थ्री, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल 3a बाई टू और 7b बाई थ्री, ठीक है, तो 3a बाई टू 7b बाई थ्री, दैट इज a ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सॉल्व करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें एक पार्टिकल कहता है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द मोशन और वो मोशन वन डायमेंशनल मोशन है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, और जो है वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं है यार, इंटरेस्टिंग बात है, वेलोसिटी पोजिशन डिपेंडेंट है और अल्फा बीटा जो भी है बीटा और एन कांस्टेंट है। तो कहता है एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो चलो ये एक लगभग लगभग नीट वालों को ये डाउट आता ही है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो पहले मैं लिखता हूँ, जो वेलोसिटी है, देखो जो वेलोसिटी है वो बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन के इक्वल है। ये अब हम लोगों को निकालना है एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए पोजिशन डिपेंडेंट। तो वेलोसिटी से एक्सलेशन कैसे निकालेंगे यार, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, वेलोसिटी को, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अगर मुझे एक्सलेशन चाहिए तो एक्सलेशन मैं डी वी बाई डी टी लिखता हूँ, लेकिन याद करो एक्सलेशन का एक और फार्मूला है वो पोजिशन डिपेंडेंट है, डी वी अपन डी एक्स। तो इसमें से कौन लगेगा अभी, क्या पहला लगेगा, नहीं, पहला तब लगता जब टाइम डिपेंडेंट होती वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी पोजीशन एक्स, वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो मैं एक्सलेशन इस वाले से निकालूंगा यार, ठीक है ना। चलो ये कहाँ से आया वो थ्योरेटिकली में हम लोग डिस्कस किए हैं। चलो तो यहाँ से अगर मैं एक्सलेशन लिखूंगा तो एक्सलेशन ए बी और डी बी अपन डी एक्स, ठीक है, बी बी अपन डी एक्स, तो बी और डी अपन डी एक्स, ठीक है, v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू कितना है, बीटा x की पावर माइनस टू एन आता ना इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर मिलेगा v, इधर मिलेगा माइनस टू एन और बीटा और x की पावर माइनस टू एन माइनस वन, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अभी भी एक्सलेशन जो दिख रहा है उसमें वेलोसिटी है यार, तो वेलोसिटी को कैसे रिमूव करोगे, पोजिशन लाना है, पूरा कहाँ जाना है, पोजीशन लाना है इधर, तो पोजीशन लाएंगे तो वेलोसिटी को हटाएंगे तभी तो पोजीशन लाएंगे यार, तो वेलोसिटी को उठा के यहाँ से रख दो, अगर उठा के यहाँ से रख दोगे डायरेक्ट वेलोसिटी को तो पोजीशन दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा बीटा, बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन और माइनस टू एन हमारे डिफ्रेंसिएशन से आया था और ये बीटा और एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसी को हम फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस टू एन एक्स, माइनस टू एन, माइनस टू एन और ये बीटा का स्क्वायर, माइनस टू एन बीटा का स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन, दिस इज द फाइनल एक्सलेशन इज द पोजीशन डिपेंडेंट। अब देखो बाकी सारे कांस्टेंट है और एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट है, मतलब माइनस टू एन बीटा एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन, मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन सही है, दो डी है ये वाला ऑप्शन, ये अपना करेक्ट है ना, क्लियर, इंटरेस्टिंग बात। चलो नेक्स्ट देखो, ये ट्राई करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। थर्टी में आया था, कहता है कि ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है और एक स्टोन को गिराया जाता है एच हाइट की बिल्डिंग से, और जो स्टोन है एच वन एच टू एच थ्री
नेक्स्ट 5 सेकेंड में इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हमें निकालना है H1, H2, H3 में रिलेशन, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि अगर एक बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, अगर इस बिल्डिंग की किसी हाइट से, यहाँ से मैं एक स्टोन ड्रॉप करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया हमने, ये तो जो यहाँ से जो h1 डिस्टेंस चला स्टोन जब यहाँ आया था, ठीक है, तो उसको टाइम 5 सेकेंड लग गया था। अब जब यहाँ से h2 डिस्टेंस आया, ठीक है, h2 डिस्टेंस आया, तो इसमें भी 5 सेकेंड लगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो ऊपर से लेके 10 सेकेंड लग गया और ये डिस्टेंस h2 हो गया। जब ये तीसरे वाले पॉइंट पर आया तो ये नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब ऊपर से 15 सेकेंड हो गया और डिस्टेंस h3 हो गया। क्लियर है? यहां से लेके h1, फिर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के इंटरवल में, लेकिन मैं ऊपर से काउंट करूं तो h1, h2, h3 में चलने के लिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लगा होगा, ठीक है। तो हमें h1, h2, h3 में रिलेशन निकालना है। क्लियर? चलो, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाता हूं, टॉप से ऊपर से लगाता हूं, ठीक है, और नीचे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। नीचे अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो h1 इज इक्वल टू हाफ जी टाइम t1 स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 25 जी बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब h2 के लिए लगाते हो, h2 के लिए लगाओगे तो h2 के लिए हाफ जी और 10 का स्क्वायर, हाफ जी 10 का स्क्वायर 100 जी बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे H3 के लिए लगाओ, H3 के लिए लगाओगे, H3 के लिए लगाओगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को हाफ जी और 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 जी बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। 15 15। अब हमें H1 H2 H3 में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से H2 में मैं एक मिनट, डिस्टेंस इट कवर डिस्टेंस नेक्स्ट 5 मिनट में, अलग अलग 5 सेकेंड में H1 H2 चलता है, डिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हो गया, तो डिस्टेंस जो है एक्चुअली जो H1 है वो समझना, इसका जो H1 है यहाँ से लेके H1 है, ठीक है, और ये जो ये इंटरवल है पूरा H2, ये पूरा जो होगा वो H2 प्लस H1 होगा यार, ये H2 है, ठीक है, और ये H3 है, ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा वो H1 प्लस H2 प्लस H3, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 सेकेंड के इंटरवल में, यहाँ H1 प्लस H2 आएगा और यहाँ H1 प्लस H2 प्लस H3, ये वाला सलूशन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है, H1, H2, H3 का रिलेशन निकालना, तो एक काम करता हूँ, H1 की वैल्यू लाके यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, H1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे H2 साफ दिखने लगेगा, तो यहाँ से अगर मैं H1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो H2 की जो वैल्यू आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी वो 100 जी बाई 2 और माइनस 25 जी बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 75 जी बाई 2, दैट इज़ द H2। और अगर यहाँ पे समझना, ठीक है, एक एक 5 सेकेंड के इंटरवल पे दिया तो मैं पूरा टॉप से काउंट कर लिया, तो यहाँ से जो 75 जी बाई 2 है इसमें मैं H2 है तो इसमें H1 डाल दूँ, तो H1 डाल दूँ, यहाँ से H1 डाल दूँ तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स H1, ठीक है, 3 टाइम्स H1, इसका मतलब ये हुआ कि H1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी H2/3। तो क्या H1 इज इक्वल टू H2/3, ठीक है, बाकी आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, H1 इज इक्वल टू 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लो भाई, जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब तुम कॉन्फिडेंट हो तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, और करना चाहते तो कर लो। यहाँ H3 की वैल्यू निकाल लो, H3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H3 की वैल्यू आ जाएगी 225
z by 2 और minus h1 plus h2, ठीक है, h1 plus h2 100g है, तो 100g 125g by 2, और 25g by 2 मतलब 5 times h1, मतलब h1 is equal to h by 3 upon 5, सॉल्व करने आता है ना, ठीक है, देखो ये क्लियर है, चलो रे भैया नेक्स्ट कहता है। ये देखो ये बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में लेके आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत आता है, मैं बताता हूँ। अच्छे को ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आता है डिफरेंशिएशन का, जो कमी है उसको आइडेंटिफाई करो। ये क्वेश्चन है कि टाइम और पोजिशन में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। अब आप देखो कि जो पोजीशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन से वेलोसिटी, टॉप से बॉटम आएंगे, ठीक है, टॉप से बॉटम आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन में ही बच्चे गलती करते हैं, तो चलो हम इसको करके देखते हैं। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वेलोसिटी इज जीरो, तो सबसे पहले वेलोसिटी तो निकालो। चलो वेलोसिटी कैसे निकाला जाए इसका, ठीक है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपान dt, ये होता है, ठीक है। और अगर टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब पहले x निकाल लूँ, तो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू टी माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। ये है पोजीशन, इसको खोल भी सकते हो नहीं भी खोल सकते हो। कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो व्हेन वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, समझना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए जब वेलोसिटी जीरो हुआ। अगर आपको ये पूछता कि 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो टी की वैल्यू इसमें 2 रख देते आ जाता। 10 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो, टी की वैल्यू 10 रखते आ जाता। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है कि वेलोसिटी जीरो कब हुई है, वो टाइम कौन सा है जब वेलोसिटी जीरो हुई है। तो पहले मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा जब वेलोसिटी जीरो हुई है, वो उसको लाके यहाँ रखूँगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले वो टाइम निकालने के लिए मैं वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए मैं साइड में आपको बता देता हूँ, ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, बी एक्स की पावर n है, तो डी वाई अपन डी एक्स जो होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1, और साथ साथ अंदर भी ये वाला जो फंक्शन है, अंदर समझना, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। एक बार तो चेन रूल इस पूरे पे लग जाएगा, पूरे पे लग जाएगा, ठीक है, पावर वाला रूल, तो ये आ गया। लेकिन अंदर जो है उसको भी तो एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ये अगर ये वाला, ठीक है, तो ये अगर अब इसको ये वाली रूल अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ यार, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 2 और t की पावर माइनस 3 और 2 की पावर माइनस 1 और dy dt किसका, t माइनस 3 का, तो t माइनस 3 का 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2t माइनस 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आ गई। अब मुझे पता ही नहीं कि वेलोसिटी जीरो कब हुई यार, तो वेलोसिटी जीरो कब हुई वो हम देख लेते हैं। तो वेलोसिटी हो गई जीरो उस वक्त 2t माइनस 3, ठीक है, 2t माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 3/2 वो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ठीक है, t क्या स्क्वायर है ना भाई, ठीक है, स्क्वायर ये टी का स्क्वायर दिया हुआ है। चलो तो ये वो टाइम है जब वेलोसिटी हो गई है जीरो। अगर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गई है तो पोजीशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
थ्री बाई टू और माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हुआ लिटिल बिट, ये सिक्स आएगा ना यार, ये सिक्स आएगा तो टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ये गलत कैलकुलेशन है, सिक्स और ये टाइम थ्री सेकेंड आ गया। तो थ्री सेकेंड अब जब यहाँ रखोगे थ्री सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम थ्री सेकेंड रखेंगे यहाँ पे तो कुल मिला के पोजिशन क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो। वो जो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हुई है, तीन सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो तीन सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मोशन करके अपने ही पोजीशन पे आ गया होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है, तीन सेकेंड बाद जहाँ से चला था वो वहीं पे आ गया है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलो, ये कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अब देखो, एक्स जो मोशन है वो ऐसे इस तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया, x इज इक्वल टू एट प्लस ट्वेल्व टी और माइनस टी की पावर क्यू। ये कहता है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी जीरो, फिर वही पुरानी कहानी कि अगर वेलोसिटी जीरो हुई है तो उस वक्त उसका एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कितना है, तो ये बात तो मुझे पता ही नहीं है कि वेलोसिटी कब जीरो हुई है। तो अगर पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो फिर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, एक्सलेशन चाहिए एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 12 और माइनस 6t स्क्वायर, और जो एक्सलेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस 6t। देख रहे हो, एक्सलेशन वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है और पोजीशन भी वेरिएबल है, हमें एक्सलेशन ही चाहिए क्योंकि एक्सलेशन टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी तब जीरो हुई है तो वेलोसिटी को जीरो रख दो और वेलोसिटी को जीरो माइनस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फोर, मतलब टी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू सेकेंड, तो दो सेकेंड बाद जो है वो वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो दो सेकेंड बाद अगर वेलोसिटी जीरो हुई है तो एक्सेलेरेशन निगेटिव आ रहा है, तो माइनस सिक्स और प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन है, ठीक है। मतलब ये अपना डी ऑप्शन सही है ना, क्योंकि हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना था तो हमने डिफरेंशिएशन यूज करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये कहता है बॉय स्टैंडिंग टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। कहता है एक जो लड़का है, द बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये एक लड़का है वो टॉप ऑफ द टावर पर है यहाँ पे, अब वो एक स्टोन यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, चलो स्टोन ड्रॉप कर दिया 20 मीटर हाइट, ये इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर आप लोग हम लोगों को दी हुई है, अज्यूम कर लो जी 10 मीटर है, वेलोसिटी एट ही हिट द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, तो u जीरो हो गया क्योंकि वो ड्रॉप किया था और वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम हमें निकालना है, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी हाइट दिया हुआ, तो ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, आसान प्रॉब्लम है, वी स्क्वायर हमें चाहिए जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू टू और एक्सलेशन टेन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी 20, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ, तो ये आ जाएगा 400, मतलब वेलोसिटी बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो ये कहता है कि एक प्लेटफॉर्म है यार, ठीक है।